आपको मौसम तो बड़ा प्यारा लग रहा होगा क्योंकि कैमरे में ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अंदर बहुत गर्मा गर्म बातें चल रही हैं। और हम हैं कोर्टयार्ड मैरियट इस होटल के बाहर, इस होटल के प्रांगण में, जहां पर बात चल रही है मास्टर क्लास इन लंग कैंसर। यहां पे लंग कैंसर जैसे सीरियस टॉपिक पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर दर्शित शाह, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस का एक अभिन्न अंग हैं, और अभी इस सेशन में अपना एक टॉक भी देकर आए। डॉक्टर साहब नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए। हमें बताइए कि नमस्कार अंदर भैया क्या चल रहा है, मतलब क्या बातें हो रही हैं, और आपके सेशन में क्या क्या बातें हुई? जी। जैसे कि लंग कैंसर है, उसमें बहुत सारे थेरेपीज अवेलेबल है। हमने जो सेशन में जो बात किया, अगर पेशेंट अर्ली स्टेज लंग कैंसर है, जो कि ऑपरेबल लंग कैंसर हम बोलते हैं, तो क्या हम लोग उसमें इम्यूनोथेरेपी जो है, क्या हम सर्जरी से पहले दे सकते हैं या सर्जरी के बाद इम्यूनोथेरेपी देनी चाहिए। बहुत सारे विभिन्न ट्रायल है पूरे वर्ल्ड में और देश में, जिसमें कुछ ट्रायल्स हम बोलते हैं पॉजिटिव है, कुछ उसमें डेटा पॉजिटिव आ रहा है साइड इफेक्ट के मामले में। तो उसमें ऐसा पाया गया है कि अगर हम लोग सर्जरी, पेशेंट ऑपरेबल है, अगर हम लोग उसमें पहले इम्यूनोथेरेपी दे, साथ में कीमोथेरेपी दे, तो जो ट्यूमर होता है वो काफ़ी अच्छा श्रिंक होता है। पेशेंट का जो सर्जन सर्जन जो है, और इजीली एक्सेस एक्सेस मिलता है सर्जन सर्जरी करने को, उसमें आउटकम्स अच्छा है। और जो हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंप्लीट रेमिशन, यानी कि अगर हमने कीमो दिया, इम्यूनोथेरेपी दिया, तो हम लोग जो ट्यूमर को ऑलमोस्ट नष्ट कर सकते हैं सर्जरी के बाद के स्पेसिमेन में, ऐसा पाया गया हुआ है। वो 24% में पाया गया हुआ है। तो इस विषय पे हमारी काफ़ी इंटेंस डिबेट हुई, और ये मेनली ये बात हुआ। ओके, अमेजिंग। मतलब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों की बात चल रही है। आप कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आपसे अब छोटा सा एक ब्रेक लूँगा, लेकिन डॉक्टर दर्शित के साथ ही मैं वापस आऊँगा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए।